पैर में सामान्य हवाई चप्पल, हाथ में पद्मश्री और चेहरे पर करुणा के और खुशी के मिले जुले भाव। जिस वक्त सबकी निगाहें मंच पर राष्ट्रपति जी की तरफ थीं, उस वक्त गृहमंत्री अमित शाह की निगाहें जमीन पर जा टिकी। एक व्यक्ति नंगे पांव पद्मश्री लेने जा रहे थे। ऐसी कई तस्वीरें हैं जिसने पद्म सम्मान की तरफ लोगों का ध्यान खींच लिया है। इस साल 100 से ज्यादा लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत मिले पद्म विभूषण को लेने यूपी के पूर्व सीएम और उनके बेटे अखिलेश यादव मंच पर पहुंचे। लेकिन उसके बाद ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को जब पद्म सम्मान मिलना शुरू हुआ तो तालियों की गूंज बढ़ती गई। चलिए देखते हैं ऐसे 5 अनसंग हीरोज की कहानी, जिनकी आज खूब चर्चा है, जिनको खूब सराहा जा रहा है। ये 82 वर्षीय रिटायर्ड लाइब्रेरियन और सोशल वर्कर पालम कल्याण सुंदरम है। तमिलनाडु के तिरुनेलवली के रहने वाले हैं, वहाँ से ताल्लुक रखते हैं। मद्रास विश्वविद्यालय से पढ़ने वाले कल्याण सुंदरम लाइब्रेरी साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। इसके अलावा उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरियन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने 6 दशक की पूरी कमाई समाज सेवा में लगा दी। मोदी सरकार में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला नाम छत्तीसगढ़ के आदिवासी अजय मंडावी का है। अजय जब अपनी कुर्सी से पद्मश्री लेने के लिए उठे तो एक असामान्य सा नज़ारा देखने को मिला, जो आमतौर पर राष्ट्रपति भवन जैसे बड़ी जगह पर नहीं देखने को मिलता। आमतौर पर आपने सूट बूट पहने लोगों को सम्मान लेते देखा होगा। अजय नंगे पांव सम्मान लेने जा रहे थे। गृहमंत्री अमित शाह की निगाहें कुछ वक्त तक उनके पैरों पर जा रुकी। ऐसा नहीं है कि अजय के पास जूते नहीं थे, मगर सम्मान लेने से पहले उन्होंने उतार दिए थे। कई लोगों ने कहा कि उनके मन में शायद गौरव के साथ श्रद्धा का भी भाव रहा हो। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अजय मंडावी ने कास्ट शिल्प कला में गोंड ट्राइबल कला को मिक्स किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में भटके हुए लोगों को लकड़ी के शिल्प कला से जोड़ा। क्षेत्र में कुल 350 से ज़्यादा लोगों की जिंदगी बदल दी। युवाओं को हाथ से बंदूक छोड़कर छेनी उठाने के लिए प्रेरित किया और इन्हीं कार्यों के लिए मंडावी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगली तस्वीर और भी रोचक है। एक दंपत्ति के नाम का ऐलान होता है। वो मंच की तरफ बढ़ने से पहले प्रधानमंत्री मोदी की तरफ जाते हैं। पति पत्नी दोनों ही प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूते हैं। जवाब में प्रधानमंत्री कुर्सी से उठते हैं और अपने से उम्र में लगभग बहुत छोटे इस दंपत्ति के खुद पैर छू लेते हैं। ये मध्य प्रदेश के रमेश परमार और उनकी पत्नी शांति परमार हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य इलाके झाबुआ में वहाँ की संस्कृति और कला को सहेज कर उसे लगातार बनाए रखने और बढ़ाने के प्रयास करने वाले रमेश परमार और उनकी पत्नी शांति परमार को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला नाम डोमार सिंह कुंवर का है। 12 साल की उम्र से मंचों पर नाचा का प्रदर्शन करते रहे। नाचा एक विलुप्त होती छत्तीसगढ़ी हास्य कला है, जिसे जीवित रखने के लिए डोमार सिंह पिछले 47 सालों से काम कर रहे हैं। डोमार सिंह छत्तीसगढ़ के अलावा देश भर में 5,000 से ज़्यादा मंचों पर इसकी प्रस्तुति दे चुके हैं। बिल्कुल सामान्य सी पृष्ठभूमि से आते हैं। जब वो पद्मश्री लेने के लिए बढ़ रहे थे तो एक वक्त उपराष्ट्रपति धनखड़ की निगाहें उनके पैरों पर जा रुकी। तस्वीर ने सारी कहानी कह दी थी। अगले सम्मानित व्यक्ति मूलचंद लोढ़ा हैं। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के आदिवासी इलाके बांगड़ से ताल्लुक रखने वाले मूलचंद लोढ़ा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मूलचंद आदिवासियों के लिए जागरण जनसेवा मंडल नामक संस्था चलाते हैं। लोढ़ा क्षेत्र में आदिवासियों और पिछड़े इलाकों में चिकित्सा और शिक्षा और इसके अलावा आदिवासियों के कल्याण के लिए पिछले 5 दशक से लगातार काम कर रहे हैं। उन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कारों की लिस्ट में इन्हीं नामों की वजह से सोशल मीडिया पर कई लोगों ने मोदी सरकार की तारीफ भी की। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के कई लोगों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिल्म जगत से इकलौता नाम अभिनेत्री रवीना टंडन का था। ये पद्मश्री से जुड़ा हुआ अपडेट था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं जतिन, ललन टॉप। देखते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।